नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के एक झूठी खबर फैलानी शुरू कर दी है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में सारस और आरिफ को लेकर के राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया है। बता दें कि आरिफ ने सारस पक्षी को रेस्क्यू किया था, जिसके बाद उसे अपने घर में रखा था, उसे पाला था, खिलाया था। अब इसको लेकर के उसने वन विभाग को इन्फॉर्म नहीं किया था कि उसने एक जंगली पक्षी का रेस्क्यू किया है, जिसके बाद वन विभाग ने आरिफ को नोटिस भेज दिया और इस चीज को लेकर के अखिलेश यादव ने यहां से राजनीति करनी शुरू कर दी। अखिलेश यादव का कहना यह रहा कि कैसे आरिफ से सारस को छीन लिया गया, जिसके बाद इस मामले को और भी ज्यादा आगे बढ़ाते हुए और भ्रामक खबर फैलाते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। संजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई पक्षी को पालता है, उसे बचाता है, तो उस पर केस दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पक्षी मोर को अपने घर में पालते हैं, तो उस पर केस दर्ज नहीं होता। बता दें कि संजय सिंह ने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो आरिफ और सारस को लेकर के बात करते हुए नजर आते हैं और इसमें संजय सिंह ये कह रहे हैं कि सारस को आरिफ ने बचाया था, उसकी कंडीशन बेहद खराब थी, जिसके बाद उसका इलाज किया और सारस ठीक हो गया। लेकिन योगी राज को यह पसंद नहीं आया और उनकी पुलिस ने आरिफ पर केस दर्ज कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रीय पक्षी मोर को अपने हाथों से दाना देते हैं या फिर उसे अपने घर में पालते हैं, तो इसको लेकर के कोई बात नहीं करता, कोई केस दर्ज नहीं करता, जिसके बाद इसका जवाब जो है वो भी लोगों के द्वारा दिया जा रहा है और एक बार फिर से भ्रामक न्यूज फैलाने का आरोप संजय सिंह पर लगा है। दरअसल कहा ये जा रहा है कि अगर रही बात प्रधानमंत्री मोदी की मोर को लेकर के, तो मोर को पाला नहीं गया है और ना ही वो प्रधानमंत्री का पर्सनल आवास है, बल्कि वो प्रधानमंत्री आवास है जो कि प्रधानमंत्री जब कोई व्यक्ति रहता है, यानी कि उस पद पर रहता है, तभी तक वो घर उसे अलॉट किया जाता है। और जहां तक रही मोर की बात, तो मोर को पाला नहीं गया है, उसे जबरदस्ती रखा नहीं गया है, बल्कि दिल्ली के कई सारे ऐसे एरिया है जहां पर ज्यादा संख्या में मोर पाए जाते हैं और ये अपनी स्वेच्छा से किसी के घर पर भी आ जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री आवास में भी कुछ ऐसा ही है, वहां पर बहुत सारे मोर हैं जो कि अपनी मर्जी से वहां आते हैं, जाते हैं। इन्हें ना तो बांध करके रखा जाता है, ना तो कैद करके रखा जाता है और ना ही पाल करके रखा गया है फिलहाल। लेकिन यहां पर अगर हम सारस की बात करें और आरिफ की बात करें, तो आरिफ को लेकर के केस दर्ज किया गया है। पहले तो वन विभाग ने आरिफ को पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ये एफआईआर जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें कि ये कानून ये कहता है कि आप किसी भी जंगली जानवर को पाल नहीं सकते, उसे अपने घर में एक पालतू जानवर की तरह नहीं रख सकते। भले ही आपने उसे बचाया हो, उसका संरक्षण किया हो, लेकिन इसकी जानकारी आपको वन विभाग को जरूर देनी होगी। लेकिन आरिफ के केस में ये खबर सामने आ रही है कि उसने सारस का रेस्क्यू तो किया, उसका घायल अवस्था में सारस था, उसका इलाज किया। ये बहुत अच्छी बात है कि उसने एक पक्षी की जान बचाई जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी भी है, लेकिन इसकी जानकारी उसने वन विभाग को नहीं दी थी। और इसके तमाम जो वीडियोस थे आरिफ और सारस के दोस्ती कि वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे थे, जिसके बाद ये वीडियो वन विभाग की टीम के द्वारा देखी गई, जिसके बाद अब वन विभाग आरिफ के घर पहुंचती है और वहां से सारस को लेकर के चिड़ियाघर के लिए रवाना हो जाती है। और फिलहाल अगर हम सारस की बात करें, तो ये कानपुर के चिड़ियाघर में 15 दिनों के लिए फिलहाल क्वारंटीन किया गया है, जिसके बाद उसे चिड़ियाघर के बड़े एरिया में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर के राजनीति शुरू होती है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के किए गए एक ट्वीट के जरिए। यहां पर अखिलेश यादव ये आरोप लगाते हैं कि आरिफ और सारस की दोस्ती भाजपा के नेताओं के द्वारा देखी नहीं गई, जिसकी वजह से उन्होंने सारस को आरिफ से छीन लिया। यहाँ पर छीनना जो शब्द था
वो काफी ज्यादा लोगों के जहन में आ गया। और यहाँ पर अखिलेश यादव का कहना ये रहा कि जानबूझ करके सारस को आरएफ से अलग किया गया है क्योंकि बीजेपी इससे डरती है, और ये बीजेपी को लेकर के आरोप लगाया गया कि जो सारस की दोस्ती है आरएफ के साथ, इसकी बौखलाहट बीजेपी के नेताओं को रही जिसकी वजह से उसे छीन लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर लोगों का ये कहना है कि आरिफ शख्स का नाम है जिसकी वजह से एक वोट बैंक को साधने की कोशिश आपके नेता संजय सिंह के द्वारा की जा रही है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की द्वारा की जा रही है। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उस शख्स का नाम आरिफ ना होकर के आकाश होता तो इससे किसी भी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सारस या फिर वो व्यक्ति कहां गया या क्यों सारस को उसे छीन करके चिड़ियाघर में रख दिया गया। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया था सारस के चिड़ियाघर में होने के वीडियो को लेकर के, और ये कहा था कि सारस को चिड़ियाघर में रखा गया है तो क्या गोलू को भी गोरखपुर के चिड़ियाघर में रखा जाएगा, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो गोलू को गोरखपुर के चिड़ियाघर के बारे में बोल रहे हैं अखिलेश यादव, ये सीएम योगी के पालतू कुत्ते को लेकर के निशाना साधा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सारस को तो उन्होंने चिड़ियाघर भेज दिया, क्या सीएम योगी अपने पालतू कुत्ते को वहां भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के आप नेता संजय सिंह ने झूठ फैलाया है और मोर को लेकर के जो बातें कही हैं, इसका तमाम लोग सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूझबूझ के इस तरीके से आप नेता ने झूठ फैलाया है, प्रधानमंत्री को लेकर के गलत बातें कही हैं। आपको बता दें कि इसमें तमाम लोगों की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी आ रही है, जिसमें से अविनाश कुमार सिंह नाम के एक यूजर लिखते हैं कि अरे साहब, आपके सारस और मोर जेल में बंद हैं, उसकी भी चिंता कर लो जरा। आपको बता दें कि यहाँ पर दरअसल आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल में हैं, पुलिस की रिमांड में हैं, और इसी चीज को लेकर के इन्होंने तंज कसा है और इनका कहना है कि पहले उन्हें छुड़ा लो, उसके बाद पक्षियों की बात करना। वही अभिनव श्रीवास्तव नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, पीएम हाउस प्राइवेट नहीं होता है एमपी महोदय, कैसे कैसे एमपी बन जाते हैं, अनपढ़ गवार, काश हमारे एमपी पढ़े लिखे होते, काश दिल्ली का सीएम दिमागी रूप से पढ़ा लिखा होता। यहाँ पर इन्होंने बार बार आम आदमी पार्टी के द्वारा जो प्रधानमंत्री को लेकर के एक शब्द यूज किया जा रहा है, अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, इस शब्द को कोट करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ही निशाना साध दिया है। और इनका कहना है कि पीएम हाउस जो है वो प्राइवेट नहीं होता है बल्कि गवर्नमेंट होता है, और ऐसे में एक एमपी को ये जानकारी तक नहीं है। इसी के साथ ही एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि आरिफ ने वन विभाग को सूचना नहीं दी होगी, एफआईआर महज एक औपचारिकता है कानून का पालन करने के लिए, वो बरी भी हो जाएगा इससे, लेकिन आप धर्म के नाम पर वैमनस्य व उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। वही तमाम लोग खासकर यही कह रहे हैं कि जो आप नेता संजय सिंह के द्वारा बार बार आरिफ और सारस के मुद्दे को लेकर के राजनीति की जा रही है, चाहे फिर अखिलेश यादव के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो ये महज एक खास समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए किया जा रहा है और इस वजह से इस बात को उठाया जा रहा है। लेकिन अगर हम वन विभाग की टीम की कार्रवाई को देखें तो ये कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी जंगली जानवर को अपने घर पर रखता है या फिर उसे पालतू जानवरों की तरह पालना शुरू कर देता है तो इसको लेकर के बकायदा कानूनी प्रावधान है जिसके तहत ही वन विभाग की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अगर आरिफ ने ये इंफॉर्मेशन दे दी होती कि उसके पास एक सारस है जिसे कि वन विभाग की टीम ले जाए तो शायद ये केस उसके ऊपर दर्ज नहीं होता। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।